अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेस के बारे में जाना था, नंबर सिस्टम का जो बेस होता है। तो मैंने बताया था कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, ऑक्टल नंबर होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, तो सबके बेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बाइनरी नंबर इनके बेस दो होते हैं, क्योंकि इसमें दो ही डिजिट यूज होते हैं, 0 एंड 1। ओके, फिर सेकेंड जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट जो है, टोटल नंबर्स जो हैं वो 10 यूज होते हैं, तो इनका बेस जो होता है 10 होता है ना। और थर्ड मैंने बताया था ऑक्टल नंबर, जिसका बेस 8 होता है ना, जिसमें 0 से 7 तक नंबर्स यूज होते हैं, है ना। और नेक्स्ट जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस 16 होता है, क्योंकि इसमें 16 नंबर्स यूज किए जाते हैं, इसमें 0 to 9 और उसके बाद 10 के लिए जो है ए, और 11 के लिए बी, और 12 के लिए सी, ओके, और डी जो है 13 के लिए, 14 के लिए ई, सॉरी 15 के लिए ई हो जाएगा, है ना, 10 के लिए ए हो जाएगा, और 11 के लिए बी, और 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई, एंड 15 के लिए जो है एफ हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से इसमें 5 ABCDEF और 0 to 9 टोटल मिलाकर के 16 होते हैं, इसलिए इसके बेस 16 होते हैं। तो हमने बताया था कि बेस जो होते हैं बाइनरी का 2, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो बेस जो होता है किसी भी नंबर सिस्टम का टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी जो टोटल नंबर्स होते हैं उसके डिजिट्स को जो है, जो उसमें यूज होते हैं नंबर्स सिस्टम में, और उसको लिखा जाता है। जैसे बेस जो है, हम लोग किसी भी बेस को इस तरह से लिखते हैं, जैसे 1011, ये अगर मान लीजिए बाइनरी नंबर है, इसका बेस हम लोग यहाँ पे नीचे में राइट साइड में लिखेंगे, है ना। अगर कोई ऑक्टल नंबर है तो उसका बेस 8 होगा, ठीक है। अगर वो डेसिमल नंबर है तो उसका 10 होगा, और अगर हेक्साडेसिमल है तो उसका हम लोग 16 लिखेंगे, ओके। जैसे हेक्साडेसिमल का देखिए, अगर इस तरह से अगर हेक्साडेसिमल नंबर कोई है ए सी, है ना, और 6, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। जैसे ही बेस देखेंगे 16, तो समझ जाएंगे ये हेक्साडेसिमल नंबर है, और जैसे ही बेस देखेंगे 2, समझ जाएंगे ये बाइनरी नंबर है, है ना। अगर किसी का बेस जैसे यहाँ दिया हुआ है 72 और 8, तो 8 देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ओ ये ऑक्टल नंबर्स हैं, ठीक है। और डेसिमल होता है, यानी डेसिमल जो होते हैं वो 10 होते हैं, जैसे 1067, और यहाँ पे बेस लिख दिया हमने 10, तो ये बेस से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर है। 8 देखेंगे तो समझ जाएंगे ऑक्टल है, 10 देखेंगे डेसिमल है, 2 देखेंगे तो ये बाइनरी नंबर है, और 16 होगा तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है, तो ये बेस है, ओके। तो इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो है बेस किसी भी नंबर सिस्टम का जो है टोटल नंबर ऑफ डिजिट होता है ना। और बेस को जो है हम लोग नीचे में लिखते हैं, नीचे की तरफ करके सब स्क्रिप्ट में, है ना। एक होता है सब स्क्रिप्ट और दूसरा होता है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे हम लोग कोई भी चीज पावर देते हैं 2 पर पावर 2, तो ये हो गया आपका सुपर स्क्रिप्ट। क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट, है ना। और जब ये नीचे लिखते हैं ना, तो ये होता है सब स्क्रिप्ट, ओके। सुपर और सब स्क्रिप्ट यही होते हैं। तो बेस जो है और नंबर सिस्टम के बेस जो है वो सुपर स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं, सब स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं, नीचे करके राइट साइड में। अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि यहां बाइनरी नंबर सिस्टम, ओके। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? तो दिस नंबर सिस्टम यूजेज ओनली बाइनरी डिजिट्स। इस नंबर सिस्टम में सिर्फ बाइनरी डिजिट्स यूज होते हैं,
जिसको हम लोग बिट्स भी बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग बिट्स भी बोलते हैं, बाइनरी डिजिट यानी बिट्स। ओके तो बिट्स जो होता है वो क्या होता है, दो होते हैं, जीरो एंड वन जो है ये आपका बाइनरी डिजिट है। क्या है? बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट्स हैं, ठीक है, जीरो एंड वन, यानी दिस नंबर सिस्टम यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में यही दो डिजिट जो है वो यूज होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेज ओनली बाइनरी डिजिट्स और बिट्स दैट इज जीरो एंड वन। डाटा व्हेन रिप्रेजेंटेड एज बाइनरी डिजिट्स हैज ए बेस टू, और जब कोई भी बाइनरी नंबर का डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका बेस हम लोग टू लिखते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल में पहले भी बताए थे और बुक्स में देखिए, जैसे अभी एक और दिया हुआ है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे और ये आपका बाइनरी डिजिट्स का एग्जाम्पल हो गया, यानी ये बाइनरी नंबर है 100100 और बेस जैसे ही टू लिखाया तो ये यानी बाइनरी नंबर्स हो गए। ओके अब देखिए कि अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर्स, ये जो बाइनरी नंबर्स होते हैं इसके अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब इसमें इस नंबर्स को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर, दिस फॉलोइंग इज फोर मेजर्स एंड बेसिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन बाइनरी नंबर्स, है ना, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। कौन कौन से इसके अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं? फर्स्ट है एडिशन, है ना, एडिशन, ए डबल डी आई टी आई ओ एन, एडिशन मतलब जोड़ना, है ना। सेकेंड है आपका मल्टीप्लीकेशन, जिसका मतलब होता है गुना करना, है ना। थर्ड आपका है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, टी आर एस सी टी आई ओ, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना। एंड लास्ट है डिवाइड, डिवीजन, ओके, डी आई वी आई एस आई ओ एन, डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना, है ना। और कंप्यूटर्स में ये सिंबल्स यूज होते हैं डिवाइड के लिए, और मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक का सिंबल यूज किया जाता है। ओके हाँ, तो अब हम लोग पहले जो है एडिशन देखते हैं कि बाइनरी एडिशन कैसे होते हैं, है ना, और इसके एडिशंस के रूल्स कुछ अलग होते हैं। चलिए अब देखिए, बाइनरी एडिशन जो होता है, फर्स्ट ए में जो है आपका बाइनरी एडिशन, है ना। तो बाइनरी एडिशंस का जो टू बाइनरी नंबर्स कैन बी एडेड यूजिंग फॉलोइंग रूल्स, यहां पे रूल्स दिया हुआ है ना, बाइनरी एडिशंस रूल्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है जीरो प्लस जीरो, अगर जीरो एंड जीरो को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा? जीरो होगा। ओके यदि वन प्लस जीरो होगा तो क्या होगा? वन होगा। ओके फिर जीरो प्लस वन अगर होगा तो भी वन ही होगा। ओके नेक्स्ट है वन प्लस वन इक्वल टू जीरो, वन और वन को जोड़ते हैं तो क्या होता है? जीरो विद ए कैरी, है ना, ऑफ वन टू नेक्स्ट हायर नंबर, है ना। तो वन प्लस वन 10 हो जाता है, तो 10 का जीरो और वन जो है इसका एक कैरी कर जाता है विथ ए कैरी ऑफ वन, ओके, टू नेक्स्ट हायर नंबर्स। तो ये ध्यान देना है कि जो बाइनरी एडिशंस होते हैं उसके रूल हैं, क्योंकि इसमें दो ही नंबर्स यूज होते हैं, जीरो एंड वन। तो जीरो को अगर हम लोग जीरो से जीरो को जीरो में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा?
और 0 to 0 वन ही जीरो ही होगा, 1 + 0 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, 0 + 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, अगर 1 + 1 होगा तो 1 + 1 = 10, तो 0 वहां लिखेंगे और उसका कैरी जो है एक नेक्स्ट हायर नंबर्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या हो गया, बाइनरी एडिशंस के रूल हैं। एडिशन ऑफ टू इज डन इन द सेम मैनर एज वी डू इन आवर डेली लाइफ मैथमेटिक्स और डेसिमल नंबर सिस्टम और डेट इज यूज यूनिवर्सली। अब देखिए नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ना, 100101 + 101110 दोनों को ऐड करना है ना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग करके, चलिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे दो नंबर है, जैसे 100101 और सेकेंड नंबर जो है वह है 01101, इसको ऐड करना है ना। तो अभी हमने रूल्स क्या बताया था कि 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1 और 1 + 1 = 0 विद कैरी 1, है ना, विद ए कैरी ऑफ 1, है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको ऐड करते हैं, पहले देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो 0 और 1 यहाँ पे कितना नंबर दिया हुआ, 1 + 0, तो 1 + 0 = क्या होता है 1, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, है ना, राइट। फिर क्या है 0 + 1, तो 0 + 1 क्या होता है 1, तो यहाँ फिर हम लोग क्या लिख देंगे 1, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 1 + 1 यहाँ क्या है 1 + 1, तो 1 + 1 क्या होता है 0 विद ए कैरी ऑफ 1, तो यहाँ 1 + 1 = 0 हो गया और ये कैरी हो गया यहाँ पे 1, ओके। तो आप क्या करेंगे, तो ये 0 + 0 क्या होता है 0 + 0 = 0 और यहाँ पे क्या है 1, तो 0 और 1 कितना होगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 लिख देंगे, 0 + 0 तो ये 0 ही हो जाएगा और यहाँ कैरी वाला 1 है तो 1 इसमें ऐड करेंगे तो 0 + 1 = क्या हो जाएगा 0 + 1 = 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे, राइट। फिर क्या है यहाँ 0 + 1 तो 0 + 1 = 1, है ना, और ये 1 तो है ही तो ये भी 1 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे और इसके बेस में ऐसे हम लोग नंबर दे देंगे, है ना। तो ये आपका एडिशन हो गया, राइट। इसी तरह सब्सट्रैक्शंस के रूल है, है ना, एडिशन हो गया फिर सब्सट्रैक्शन है। अब हम लोग सब्सट्रैक्शन का भी रूल एक देख लेते हैं, तो इसी तरह एडिशन करना है, राइट ना। चलिए अब हम लोग सब्सट्रैक्शन से एक देखते हैं आज, ओके। तो ये एडिशन हो गया आपका, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बुक में एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ, तो मल्टीप्लिकेशन ही देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन है ना, यानी गुना करना, ओके। तो देखिए यहां पे है 0 × 0 × यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक का सिंबल यूज करेंगे, 0 + 0 × 0 = 0, है ना, 1 × 0 = 0, है ना, 0 × 1 = 0 और 1 × 1 = 0,
है ना, तो ये होता है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, ये मल्टीप्लाई का रूल है, जीरो के जीरो से हम लोग जीरो को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही होगा, है ना। वैसे भी हम लोग जानते हैं जीरो को जीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं, जीरो ही होगा। अगर जीरो को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो भी जीरो हो जाता है, तो 1 × 0 = 0। ठीक, उसी तरह यहाँ पे 0 × 1 = फिर जीरो ही हो जाएगा, है ना। और ये 1 को 1 से जब हम लोग, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 1 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह बुक्स में एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 1001 दिया हुआ है ना, और इस फिर नीचे 1 0 दिया हुआ, और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग देखते हैं कि जीरो को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और 1 और 0 तो क्या होगा, 0। फिर 0 को 0 से 0 0 0, फिर 0 0 0, है ना, फिर 0 + 1 = 0, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, फिर 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 1, तो 1 × 1 = क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, है ना। फिर 1 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 1 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 1 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, है ना। अब इसको प्लस कर देंगे दोनों को, तो 0 = 0 0 1, 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, फिर 0 0 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इसको ऐसे दे देंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग बाइनरी का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका, इसी तरह से जो है आपका डिवीजन है, और ये जो है आपका सब्ट्रैक्शन है, या वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, है ना। तो इसको करके देखिएगा, और ठीक है, इसको रिवाइज करिएगा, पहले इसको देखिए, इसके बाद हम लोग फिर इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो पहले आज इस रूल्स को, इसके एडिशंस को, एडिशंस के रूल्स को, सब्ट्रैक्शंस के रूल को, मल्टीप्लीकेशन का रूल्स जो है, डिवीजन का रूल है, उन सारे को पढ़िए, रिवाइज करिए, है ना। और इसके बाद फिर हम लोग इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन पे और भी बहुत सारा एक्सरसाइज करेंगे, और फिर इसको समझेंगे एक्सरसाइज के थ्रू, है ना। तो डेट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, चलिए।